जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने बात करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल में ज्वाइन इंडियन नेवी सेलर जो था एमर्स जो है अपने मेरिट लिस्ट जारी कर चुके हैं। आज मैं आपको पूरे मेरिट लिस्ट के बताएंगे कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना और साथ ही साथ में कितने पोस्ट यूँ कहा जाए कितने लोगों की बहाली हुई थी। 149 लोगों की बहाली हुई है, ठीक है। और एमआर स्टवाड और तीनों वैकेंसी बताएंगे। स्टवाड वाला है, ठीक है, जो अप्रैल में इसका सिलेक्ट हुआ था। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू चेक द नेम इन मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जो वैकेंसी आएगी, जो वैकेंसी आ चुकी है उसकी पूरी डिटेल आपको साथ ही साथ और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। चलिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ज्वाइन इंडियन नेवी जो है नौसेना भर्ती परीक्षा जो है, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये तीन चीज़ों के लिए आपको हायरिंग करती है बच्चों को। सबसे पहले देखिए, आपको हायरिंग जो की है से एस्टवाट के लिए की है, चिप के लिए की है और हाइगेनिस्ट के लिए की है, ठीक है। और एमआर जो है अप्रैल बैच 2000 ये आपका है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कब का था? 2019 का था। ये टोटल प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं। चलिए आज बात कर देखना चाहिए कि जनरल और ओबीसी के लिए फी कितना था। 205 रुपया था और एससीएसटी के लिए 1 रुपया भी नहीं था, ठीक है। ये अप्लीकेशन का ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 26 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब था? 1 अगस्त 2019 को था। साथ साथ इसका एग्जाम डेट जो हुआ था कब हुआ था? 17 सितंबर 2019 में हुआ था। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब हुआ था? 12 सितंबर को हुआ था, ठीक है। रिजल्ट कब आया हुआ था? 15 अक्टूबर को, ठीक है। पीईटी जो हुआ था 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और मेरिट लिस्ट जो कब जारी किया गया? 21 फरवरी को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज बात करने वाले हैं कि इसका एज लिमिट जो था कितना था, ठीक है। एलिजिबिलिटी कितनी थी, वैकेंसी कितनी है? 400। तो 400 में जो एसटी वार्ड का है, ठीक है, एसटी वार्ड का है, उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? तो 149 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट से जाकर अपना मेरिट लिस्ट में नाम दे सकते हैं। सबसे लाजवाब और सबसे बढ़िया और सबसे सही जानकारी देने वाला वेबसाइट है www.sarkarexam.com, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एस टी वार्ड वाला है सेलर का, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे मेरी प्रक्रिया होगी कि यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया गया। सीरियल नंबर का मतलब है कितने इसमें स्टूडेंट हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, अप्लीकेशन नंबर होगा, अप्लीकेंट नेम अर्थात आपका नाम होगा और फादर नेम होगा। अगर इन सब चीज़ों में अगर आपका सब चीज़ मिल रहा है, जैसे सीरियल नंबर छोड़िए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए, अप्लीकेशन नंबर मिलना चाहिए, अप्लीकेंट नेम मिलना चाहिए और फादर नेम मिलना चाहिए, अगर यह चार चीज़ मिल रहा है तो सोचिए कि आपकी नौकरी पक्की है। अर्थात यूँ कहा जाए कि ज्वाइन इंडियन नेवी में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है एसटी वार्ड के लिए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसमें लगभग कितने स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, देखिए दे रहे हैं। अगर आप ऐसे करके देखते जाएंगे और देखिए आप अब देखते जाएंगे, अगर आपका इस में नाम होगा तो मुझे आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है। ऐसे करके 149 इसमें हैं, ठीक है। आप वहां से जाएंगे वेबसाइट से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। यहां से भी आप देख सकते हैं, देखिए देखेंगे देखेंगे ऐसे करके आप जाते रहेंगे। देखिए टोटल जो स्टूडेंट है कितने हैं? 149 स्टूडेंट हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 149 स्टूडेंट है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ प्लीज़ बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।